रुतबा, इतना इंतजार किसी ने किसी का नहीं किया होगा जितना मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अब तो मेरी हो जाओ, मत आजमाओ मेरे सबर को इतना, कुछ कर बैठूंगा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम मेरे लिए एक बार फिर बारात लेकर मेहर अली हाफ आना चाहते हो? अब ये बातें करने का मकसद? मकसद ये कि अस्का तुम्हारे घर में है, तुम्हारी जिंदगी में है, तुम चाहो तो उसके साथ एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हो। मेरी फीलिंग्स की इंसल्ट कर रही हो तुम? फीलिंग्स? तुम्हें इसका मतलब भी पता है? अब इतना जाहिल भी नहीं है, इसीलिए ज्यादातर मर्द पढ़ी लिखी औरतों से खाइफ रहते हैं, हर बात पे अकलमंदी के लेक्चर जो देती हैं। पढ़ी लिखी औरत से हर मर्द भी खाइफ नहीं रहता। अच्छा रुतबा छोड़ो ना, हम किन बातों में पड़ गए? हम शादी की बात करने आए थे यहाँ पे, बताओ कब बारात लेकर आऊँ? चलो अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं। मेरी जिंदगी का वो सबसे खुशहाल दिन होगा कि जब तुम मुझे अपनाने के लिए मेहर अली हाउस आओगे। वाकई में मैं माँ जी को जाके बताऊंगा, बहुत खुश होंगी, बारात लेकर आएंगे तुम्हारे। अस्का को भी साथ लेकर आना, मैं चाहती हूँ कि वो भी देखे कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वैसे अल्तमश का रंग चढ़ता जा रहा है तुम पर।